हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो फ्लो प्लान हब चैनल। सो वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल ऑफ 38 फिट बाय 38 फिट कंप्लीट रैबिट प्रोजेक्ट हाउस डिजाइन। सो इस कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज में हमने यहाँ पे अभी तक 3 ट्यूटोरियल्स अपलोड कर चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है। सो ट्यूटोरियल फर्स्ट में सिंपली हाउस डिजाइनिंग, ट्यूटोरियल सेकेंड में हमने यहाँ पे कम्प्लीट एक्सटीरियर डिजाइनिंग का जो पार्ट है वो कवर किया था, और ट्यूटोरियल 3 में हमने सिंपली यहाँ पे जो भी मटेरियल अप्लाई करने का पार्ट है, जैसा कि आप करेंटली भी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसको यहाँ पे हमने कवर अप कर लिया था। ठीक है, सो जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में कहा था कि इस सेशन में हम यहाँ पे कंप्लीट जो लाइटिंग का पार्ट है, जो एक्सटीरियर लाइटिंग का पार्ट है, उसको यहाँ पे हम करके देखेंगे किस तरह से हम अपनी लाइट्स वगैरह प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं यहाँ पे लाइट्स कैसे कैसे प्लेस करूंगा। सबसे पहले जो आप ये डिजाइन देख रहे हो, इसमें यहाँ पे मैं कुछ सीलिंग लाइट्स क्रिएट करूंगा। देन यहाँ पे भी हमारी सीलिंग लाइट्स रहेंगी, देन यहाँ पे हमारी स्ट्रिप लाइट रहेगी, यहाँ पे हमारी एक वॉल लाइट रहेगी। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पे ये इफेक्ट डालेगी। देन यहाँ से हम फ्लोर लाइट वगैरह क्रिएट करेंगे। देन ये जो लीफ का पैटर्न आप कंप्लीट देख रहे हो, इस लीफ पैटर्न में हम कंप्लीट यहाँ पे साइड साइड में इसको थोड़ा सा ग्लो टाइप में हम क्रिएट करेंगे, और फिर आगे जो भी हमें देखना होगा, अभी तो मेरे माइंड में इतना चीजें हैं, यहाँ भी हम स्ट्रिप लाइट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सो चलो इतना पहले करके देखते हैं किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रोजेक्ट का 3D व्यू देखो। सो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे कंप्लीट अपना 3D मॉडल क्रिएट कर लिया था, राइट। सो अभी मैं ये जो एक्स्ट्रा फ्लोर हमने यहाँ पे ग्राउंड की तरह बनाया था, इसको मैं राइट क्लिक करके हाइड इन न्यू एलिमेंट, इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस स्पेसिफिक पार्ट में मैं अपनी सीलिंग लाइट यहाँ पे क्रिएट करूंगा। सो जो भी मैं यहाँ पे फैमिलीज यूज कर रहा हूँ, उसका मैंने यहाँ पे एक सेपरेट फोल्डर में क्रिएट कर दिया है। सो कंप्लीट फाइल्स आपको प्रोजेक्ट में, जो भी आपकी प्रोजेक्ट फाइल है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट मी ओपन द फोल्डर। सो ये कंप्लीट फाइल्स रहेंगी प्रोजेक्ट की, राइट। सिंपली हमारे पास एक कंसेप्ट टू हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, इसका वीडियो नहीं है बट आप देख सकते हो बाद में। बाकी यहाँ पे फ्लोर प्लान्स आपकी रेविट के, जो अभी तक हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो ये वाला है। बाकी हमने यहाँ पे किसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर ली थी, सिंपली यहाँ पे प्रोजेक्ट पे लाइट्स। बाकी जो फैमिली फाइल्स हैं, सिंपली यहाँ पे फैन, एक्सटर्नल लाइट, सीलिंग लाइट और फ्लोर लाइट हम यहाँ पे सिंपली इस तरह से यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से सिंपली वो यूज करना है वन बाय वन। तो सबसे पहले तो बेसिकली अगर हम बात करें, सो जो हमारे पास यहाँ पे ये रेसिस्ट लैम्प है राउंड, इसको हम एज अ सीलिंग लाइट यूज करेंगे। सो लोड करने का सिंपली यहाँ पे दो तरीके हैं कि आप या तो कंपोनेंट पे जाइए, प्लेस अ कंपोनेंट पे जाइए, इस लोकेशन पे आइए और लोकेशन से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका यहाँ पे ये यह है कि यहाँ पे कुछ इस तरह से अपने फोल्डर को रखिए, अपनी लाइट को सेलेक्ट करिए, ड्रैग करिए और रेविट में यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। तो ये देख सकते हो इस तरह से लाइट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में इस तरह से लोड हो जाएगी यहाँ पे। अभी मैं एस्केप दबाता हूँ, अगेन एस्केप दबाता हूँ और यहाँ पे मुझे इसके दोनों बॉटम्स में लाइट क्रिएट करनी है। सो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन आता है यहाँ पे टेम्परेरी हाइड आइसोलेट का। ठीक है, मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आइसोलेट एलिमेंट पे क्लिक करूंगा। तो इससे क्या होगा, बेसिकली जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया है उसको छोड़ के बाकी सारे जितना पार्ट है वो सब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड हो जाएगा। सो सेलेक्ट दिस आइसोलेट एलिमेंट ऑप्शन और अब यहाँ पे हम लाइट लगाते हैं। सो लाइट्स जो लगेंगी यहाँ पे हमारी, कुछ इस तरह से हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो अगेन कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, हमने यहाँ पे इस तरह से लोड करा लिया था ड्रैग एंड ड्रॉप से। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी लाइट अपनी। सेलेक्ट दिस और यहाँ पर मेक श्योर डैट ये प्लेस ऑन फेस लगाओ, और ये लाइट हम इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, देन यहाँ से मैं इसका बॉटम व्यू लगा लेता हूँ। बॉटम व्यू में जब आपको लाइट नहीं दिखेगी तो सिंपली यहाँ से हम इसको वायर फ्रेम मोड सेट कर देंगे, विजिबिलिटी स्टाइल, और फिर हम इसको सेलेक्ट करके कॉपी, और यहाँ से मल्टीपल कॉपीज और 4 4 फिट पे हम इसको कॉपी कर सकते हैं। सो अगेन कॉपी, इस पॉइंट से आप पिक करिए, इस पॉइंट पे पेस्ट, इस पॉइंट पे पेस्ट, समथिंग लाइक दिस। सभी लाइट्स को जरा एक बार सेलेक्ट कर लो और इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लो साइड साइड से, यहाँ पे इससे बराबर आ जाए। तो कंप्लीट जो ऊपर की लाइट्स हैं देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे क्रिएट हो गई है। सिमिलरली नीचे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सो कंसिस्टेंट कलर लगा लेता हूँ यहाँ से मैं, और अगेन कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, यहाँ पे लाइट है सेम वही, और यहाँ पे मैं लाइट प्लेस कर दे रहा हूँ समथिंग लाइक दिस। सेलेक्ट दिस एंड क्रिएट सिमिलर, या फिर आप इसको कॉपी कर लो। सेलेक्ट दिस, कॉपी, और इसको भी मैं 4 4 फिट डिस्टेंस पे प्लेस कर रहा हूँ समथिंग लाइक दिस। ओके,
डन, ये लाइट्स लगे यहाँ पे कम्प्लीटली इस तरह से। देन सिंपली यहाँ से आइसोलेट पे जाके रीसेट टेम्परेरी हाइड आइसोलेशन करिएगा, अप्लाई मत करिएगा, ठीक है। सो रीसेट कर देंगे तो कंप्लीट आपका मॉडल यहाँ से फिर से आपको देखने को इस तरह से मिल जाएगा। देन ये जो इंटरनल पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं सेक्शन बॉक्स यहाँ पे कट करके आपको दिखा दूँ, सो यहाँ पे जो हॉलो पार्ट है, यहाँ पे हम एक सीलिंग क्रिएट करेंगे इतने पार्ट में सिर्फ, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट में हम यहाँ पे सीलिंग क्रिएट करेंगे अपनी, और फिर यहाँ पे फैन वगैरह हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो सेक्शन बॉक्स में ऑफ कर दे रहा हूँ अगेन। ओके, सो सीलिंग क्रिएट करने के लिए सिंपली अगर आपको लेवल्स का ध्यान हो, मैंने पहले ट्यूटोरियल वन में बताया था, सो दिस इज योर लेवल वन, दिस इज योर लेवल टू, दिस इज योर लेवल थ्री। सो लेवल टू का मुझे सीलिंग क्रिएट करना है, तो मुझे यहाँ से सीलिंग प्लान लेवल टू पर आना होगा, ठीक है। तो सीलिंग प्लान लेवल टू पर गए और इस स्पेसिफिक एरिया पे हमें अपनी सीलिंग क्रिएट करनी है, ठीक है। सो अगेन सिंपली गो टू सीलिंग ऑप्शन, ठीक है, सीलिंग पे हमने क्लिक किया, देन यहाँ से स्केच सीलिंग रेक्टेंगल टूल, और मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अपनी सीलिंग यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। चेकआउट द 3D व्यू। दूसरी चीज, यहाँ पे हम अलाइन टूल लेते हैं, और जो हमारी यहाँ पे मैं बात करूँ, जो ये स्लैब है आपकी लैंडिंग जो आ रही है स्टेयर की, इसके अलाइनमेंट में हम इस स्केच को अलाइन कर लेंगे प्रॉपर। क्लिक ऑन फिनिश, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से आपकी ये सीलिंग यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है। सो इसको अभी हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे क्योंकि अभी ज़्यादा नीचे है। सो इसके लिए सिंपली अगर आपको परफेक्टली करना है थोड़ा सा, सो हम सेक्शन बॉक्स को अगेन हम ऑन करते हैं। सो सेक्शन बॉक्स को यहाँ से हमने ऑन कर लिया साइड से, और फिर हम इसको सेलेक्ट करके अगेन सेक्शन बॉक्स इस तरह से कट कर लेते हैं, और यहाँ पे सीलिंग को सेलेक्ट करके लेफ्ट टू लगा लीजिए। मूव कमांड लेकर मैं इस पॉइंट से समथिंग, मैं समथिंग इस पॉइंट तक आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये सीलिंग यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अगेन सेलेक्ट दिस सीलिंग, कॉपी पेस्ट, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, लेवल थ्री पे हम इसको इस बार पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास दोनों सीलिंग्स क्रिएट हो गई है। नाउ मूविंग टू सीलिंग प्लान लेवल टू, अब यहाँ पे पहले हम फैन क्रिएट करेंगे। सो ये सीलिंग फैन के हमारे पास फैमिली अवेलेबल है, अगेन इसको क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप, आपके पास फैन आ जाएगा ये इस तरह से, और इसको जहाँ जहाँ प्लेस करना है, मैंने कहा मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, सो वी विल क्लिक हियर, और मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, सो वी विल क्लिक हियर। तो इस तरह से आपके दोनों फैन यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, देख सकते हो। सेक्शन बॉक्स को मैं अगेन ऑफ कर दे रहा हूँ, सो देख सकते हो इस तरह से सीलिंग फैन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। अगेन इन दोनों सीलिंग फैन को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, और लेवल थ्री पे आप इस तरह से इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर अगेन आता हूँ मैं सीलिंग प्लान लेवल टू पे, और यहाँ पे ये जो सीलिंग लाइट है लीनियर बॉक्स वाली, इसको यहाँ पे हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे। सो क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो ये बॉक्स है, इसका मैं साइज यहाँ पे चेंज करूंगा। सो यहाँ से एडिट टाइप पे आता हूँ, और यहाँ पे जो बॉक्स की लेंथ है इसको मैं 2 फिट, और बॉक्स की जो विड्थ है इसको भी मैं 2 फिट, यानी 2 फिट बाय 2 फिट का यहाँ पे मैं लाइट बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ। और इसको मैं यहाँ पे, यहाँ सेंटर पे, और एक यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रिएट कर लेता हूँ, और फिर ए एल फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में इसको, और इसके अलाइनमेंट में इसको, ठीक है। चेकआउट द 3D व्यू। तो ये देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से आपकी ये लाइट्स क्रिएट हो जाएंगी। फिर इन तीनों लाइट्स को भी मैं सिमिलर, जैसे मैंने फैन के लिए किया था, वैसे ही मैं इनको भी सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, लेवल थ्री पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो देख सकते हो इस तरह से ऊपर भी आपकी लाइट्स यहाँ पे इस तरह से क्रिएट हो जाएंगी। ओके, सो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे ये बालकनी के सीलिंग, और यहाँ पे लॉन के ऊपर का पार्ट इस तरह से। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो फ्लोर लाइट हमें क्रिएट करनी थी, तो फ्लोर लाइट हमारे पास यहाँ पे ये जो पार्ट है सिंपली इसी को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको एडिट टाइप करता हूँ, और इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे मैं इसको फ्लोर लाइट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, और ओके। और अच्छा, ये मैंने सेलेक्ट करके एडिट टाइप कर दिया, यानी कि यही चेंज हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके वापस चेंज कर दे रहा हूँ, और अगेन मैं ऐसे कंपोनेंट प्लेस अ कंपोनेंट, और यहाँ पर फ्लोर लाइट जो हमने यहाँ पे डुप्लीकेट किया था इसको सेलेक्ट करके मैं समथिंग इसको यहाँ पर, और अगेन इसी को सेलेक्ट करके कॉपी, और अराउंड लेट्स से 2 फिट 6 इंचेस, एंड अगेन समथिंग हियर, और इसको एरो की से मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से कुछ ये हो जाएगा।
अभी मैंने इसको डुप्लीकेट क्यों किया, बेसिकली जो इसका लाइट का प्रोजेक्शन है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। जो इसका लाइट का प्रोजेक्शन है उसका जो लाइट का प्रोजेक्शन है ये हमें चेंज करना होगा। अब लाइट का प्रोजेक्शन मतलब बेसिकली जो राइट जो भी लाइट आपने यहाँ पे प्लेस की है उसकी जो लाइट एमिशन होगा वो किस फॉर्मेट में होगा वो डिपेंड करेगा इसकी IES लाइट पे। सो अगर मैं IES लाइट्स को यहाँ पे देखना चाहूँ कि जो लाइट एमिट कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है, सो इसके लिए हमें आना होगा यहाँ पे विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स पे। ठीक है, साइड में आप देख सकते हैं विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स, और यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे सिंपली ऑप्शन मिलेगा लाइटिंग फिक्सचर का। इसको यहाँ पे हम एक्सपैंड करेंगे, लाइट सोर्स को हम यहाँ पे ऑन कर देंगे। ओके करोगे तो आप देख सकते हो कंप्लीट जो लाइट सोर्स है आपका ये आपका यहाँ पे विजिबल है। अगर एक चीज यहाँ पे इसको रियलिस्टिक आप लगा दोगे, सो रियलिस्टिक में अगर आप यहाँ पे चेक करोगे सो देख सकते हो यहाँ पे जो आपका जो IES लाइट्स हैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल नहीं है। सो मेक श्योर डैट कि आप यहाँ पे इसको कंसिस्टेंट कलर लगाइए तो आपको प्रॉपरली ये सारी चीजें विजिबल रहेंगी। सो ये जो लाइट्स हैं इनका हम यहाँ पे जो IES का ये जो पार्ट है इसको यहाँ पे हम चेंज करेंगे। सो कैसे करेंगे, सो सेलेक्ट दिस लाइट, गो टू एडिट टाइप, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे फोटोमेट्रिक वेब फाइल आएगी। यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करके थ्री डॉट्स पे इस पे क्लिक करिए और यहाँ से मैं इसको सेट कर देता हूँ वॉल वॉश। ओके एंड अगेन ओके। सो देखो इसका यहाँ पे इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब ये जो वॉल वॉश की डायरेक्शन जा रही है वो देख सकते हो यहाँ से इधर जा रही है, वो जिसको वॉल की तरफ करना है तो सिंपली इसको सेलेक्ट करके स्पेस बार दबा के आप इसको रोटेट करा सकते हो इस तरह से। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। बाकी थोड़ा सा और इसको बैक साइड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। सो एरो की से इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बैक की तरफ भी ला सकता हूँ। इस वजह से मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया था, अगर डुप्लीकेट नहीं करता तो यहाँ पे ये भी हमारी फाइल्स चेंज हो जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे जो लाइट सोर्स है इसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ अगेन। सो लाइटिंग फिक्स्चर और लाइट सोर्स ऑफ, डन। देन इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम एक वॉल लाइट क्रिएट करेंगे। सो वॉल लाइट के लिए हमारे पास यहाँ पे एक फैमिली अवेलेबल है, एक्सटर्नल वॉल लाइट। अब ये जो वॉल लाइट है बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट वॉल पर ही क्रिएट होगी। अब आपको अगर याद होगा तो ये हमने यहाँ पे केस वर्क से बनाया था। ठीक है, सो हमने यहाँ पे ये फैमिली इस हिसाब से एडिट की है कि जब मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा इसको, यानी कि मैंने इसको ड्रैग ड्रॉप किया और जब मैं प्लेस करूंगा सो इसका जो ये पार्ट है ये मैंने इतना एक्सक्लूड कर दिया है कि ये पार्ट को यहाँ पे इससे बाहर आ जाए। तो बेसिकली ये जो लग रहा है ये बैक साइड वॉल पर ही प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूंगा समथिंग लाइक दिस, ये इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो प्लेस हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसकी अगर आप कॉपी क्रिएट करना चाहते हो तो सेलेक्ट दिस मूव, और पहले मैं इसको ऊपर साइड थोड़ा कर देता हूँ और कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे बॉटम साइड में इस तरह से कॉपी कर देता हूँ समथिंग लाइक दिस, डन। यस, फिर इसके बाद मैं इस पार्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पार्ट को भी यहाँ पे थोड़ा सा सेलेक्ट करके आइसोलेट एलिमेंट। ठीक है, तो ये पार्ट में थोड़ा सा देखना चाह रहा था यहाँ पे किस तरह से, यस इट इज लाइक समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ भी हम लाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो लाइट्स क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ से बॉटम व्यू पे आइए और यहाँ से कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, और यहाँ पर सिंपली हम जो 100 mm ट्रिम लाइट वाला ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से, अब यहाँ पे कांट कट इंस्टेंस ऑफ, ओके ये एक्चुअली वॉल का बॉटम साइड है इस वजह से यहाँ पे नहीं कर रहा है, सो नॉट अ इश्यू। हम यहाँ पे इसको समथिंग यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हो गया प्लेस, राइट, सेलेक्ट दिस कॉपी और यहाँ से मैं इसको 4 फिट पे कॉपी और अगेन 4 फिट पे कॉपी, समथिंग लाइक दिस। बाकी यहाँ पे इसके लैंडिंग के नीचे भी आप करना चाहो तो अभी आप कर सकते हो। सो लेट अस सी, सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर, या फिर आप इसी को सेलेक्ट करो, लेट्स से कॉपी। ठीक है, सो इंस्टेंस ओरिजिन डज नॉट लाई ऑन द होस्ट फेस। ठीक है, तो नॉट अ इशू, बेसिकली ये फेस और ये फेस बना रहे अलग अलग है। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमारे पास लेवल सेम है तो आराम से यहाँ पे हमारी लाइट लग जाएगी। सो अगेन इसी को मैं सेलेक्ट करके कॉपी और यहाँ से 4 फिट एंड अगेन यहाँ से 4 फिट, तो इस तरह से हम यहाँ पे अपनी लाइट्स को क्रिएट कर लिए। सो अगेन यहाँ से रीसेट टेम्परेरी एंड हाइड आइसोलेशन समथिंग लाइक दिस,
फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे इस वाले पार्ट में हम एक स्ट्रिप लाइट क्रिएट करते हैं। सो स्ट्रिप लाइट क्रिएट करने के यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप मटेरियल क्रिएट करिए या तो फैमिली क्रिएट करिए। तो मैं दोनों ऑप्शन आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे हम फैमिली क्रिएट करेंगे और लीफ के लिए हम यहाँ पे मटेरियल क्रिएट करेंगे, क्योंकि लीफ के लिए अगर मैं बनाने बैठूंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा फैमिली। सो यहाँ पे लीफ के लिए मटेरियल और इसके लिए यहाँ पे हम सिंपली फैमिली। सो सेलेक्ट दिस वॉल और यहाँ से हम सिंपली आइसोलेट एलिमेंट, ये वॉल आ जाएगी हमारे पास। स्पेसिफिक राइट व्यू लगा लीजिए, कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, केस वर्क ओके, वॉल कट हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। सो वॉइड वॉइड एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन, इस प्लेन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। लाइन टूल लेकर या रेक्टेंगल टूल लेकर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट समथिंग लाइक दिस, और इस लाइन को आप सेलेक्ट करके ग्रूव कितना देना चाहते हैं, मैंने कहा सिर्फ 3 इंचेस का हम देना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। जैसे फिनिश करोगे अंदर कट कितना होगा, मैंने कहा कट यहाँ पे सिर्फ होगा आपका 1.5 इंच। देन इसके बाद यहाँ से आप कट ज्योमेट्री का ये जो ऑप्शन आता है इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए। देन अपने जो वॉइड क्रिएट किया उसको सेलेक्ट करिए, फिर अपनी वॉल को सेलेक्ट करिए। तो इस तरह से देख सकते हैं कंप्लीटली कट क्रिएट हो जाएगा। देन यहाँ से आप पीटी फॉर पेंट और यहाँ से ग्रे कलर लेकर आप यहाँ पर अपना ग्रे मटेरियल इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, क्लिक ऑन फिनिश मॉडल और यहाँ से रीसेट टेम्परेरी एंड हाइड आइसोलेशन। तो इस तरह से देख सकते हो कंप्लीट यहाँ पे पीटी फॉर पेंट और यहाँ से ग्रे मटेरियल हम इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। अब इस स्पेसिफिक ग्रूव में हम अपनी स्ट्रिप लाइट क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए हमें फैमिली बनानी है। तो फैमिली बनाने के लिए सिंपली क्या करते हैं, गो टू फाइल, फाइल पे जाने के बाद यहाँ से न्यू और यहाँ पे फैमिली, फिर यहाँ से हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे अपना लीनियर लाइटिंग वॉल बेस्ड है और लीनियर लाइटिंग फिक्सचर जो ये वाला आरएफटी फाइल है, इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके ओके पे ओपन करना है। अगर ये फाइल आपके पास नहीं है सो इसको भी मैं कॉपी करके इस फोल्डर में यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आरएफटी वाली फाइल आप लोड कराइएगा। ठीक, यहाँ से सिंपली ओपन, इस फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे फैमिली हमारा एडिटर इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। इसको मैं 3D व्यू लगाता हूँ, फिर इसको मैं सेलेक्ट करूंगा सिंपली और यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज पे हम आएंगे फैमिली टाइप पे। ठीक है, सो यहाँ पे लाइट सोर्स सिंबल और एमिट लाइन, एमिट फ्रॉम लाइन लेंथ के आपके ऑप्शन मिल रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ पे लाइट सोर्स सिंबल को सिंपली यहाँ पे मैं 3 इंच कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करता हूँ, सो यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमने यहाँ पे ग्रूव का साइज दिया था उसके बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे लाइट का जो डाया है वो आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद जो एमिट लाइट लेंथ है उसको मैं सिर्फ यहाँ पे 4 इंच कर दूंगा, 4 इंच कर दो या फिर 6 इंच लेट से, और ओके। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास ये सिंपली आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे रेफरेंस लेवल पे आऊँ, सो रेफरेंस लेवल पे आई कांट सी इट, फ्रंट व्यू, और यहाँ से मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो इट इज 3 इंचेस। ओके, सो डाया ही है आपका। सो इसको मैं फाइल और मैं सेव कहाँ करना चाहता हूँ, जो भी हमारे पास ये लोकेशन इसे मैं सेव करूंगा। सो कंट्रोल सी और यहाँ से ओके, चलो यहीं से डायरेक्टली आएगा। सो मैंने फाइल जो सेव कर रखी है डॉक्यूमेंट्स में, सो डॉक्यूमेंट्स एक्सटीरियर डिजाइन फैमिली फाइल्स एंड यहाँ पर स्ट्रिप लाइट नाम से मैं सेव कर दे रहा हूँ। तो आप लोग अगर डायरेक्टली इस लाइट को यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ कंप्लीट, और यहाँ से इसको भी मैं लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज। ठीक है, सो रैंडमली ऐसे कहीं भी इसको लोड नहीं कराना है हमें। सो इसके लिए हमें सिंपली सबसे पहले तो एस्केप दबाइए, फैमिली ऑलरेडी लोड हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे कंपोनेंट पे प्लेस कंपोनेंट पे आओगे यहाँ पे देखो स्ट्रिप लाइट आपकी फैमिली लोड हो गई है। ठीक है, अगर लोड नहीं होती तो हमने यहाँ पे जो सेव कर लिया है स्ट्रिप लाइट इसको ड्रैग करके हम ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हम एक सेक्शन व्यू कट करते हैं। सो गो टू लेवल प्लान टू और फिर यहाँ से हम सिंपली, अच्छा एक चीज मैंने और यहाँ पे अभी गलत किया है, गलत क्या किया देखो भी समझ में आएगा। सो सिंपली यहाँ से अगर मैं फाइल पे कंपोनेंट पे प्लेस अ कंपोनेंट और यहाँ पे स्ट्रिप लाइट को मैं प्लेस कर देता हूँ, सो यहाँ पे विजिबल नहीं होगा क्योंकि अभी आपका जो लाइट सोर्स है वो ऑफ है। ठीक है, सो नॉट आई इशू। मैं यहाँ से व्यू पे आता हूँ और यहाँ से मैं सिंपली सेक्शन व्यू एक कट कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे इस सेक्शन को मैं रीनेम कर दे रहा हूँ
स्ट्रिप लाइट नाम से, और इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लूंगा। ठीक, सो लाइट सोर्स को देखने के लिए इस व्यू पे स्पेसिफिक आएंगे और विजिबिलिटी ग्राफिक्स में यहाँ पे लाइटिंग फिक्स्चर्स को लाइट सोर्स पे आके इसको ऑन कर लेंगे। सो ये लाइट सोर्स आप देख सकते हो इस तरह से आ रहा है। सो ये बेसिकली क्या है, ये हमें वर्टिकल चाहिए था बट ये हॉरिजॉन्टल है। सो सेलेक्ट करेंगे इसको अगेन और एडिट फैमिली पे आके, ठीक है, और यहाँ से मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, रोटेट कमांड लेता तो ऐसे डायरेक्टली देखो रोटेट नहीं करा सकता। सो फ्रंट व्यू पे आइए, ठीक है, फ्रंट व्यू पे आके अब इसको रोटेट कराओ। सो समथिंग लाइक दिस, रिमूव कंस्ट्रेंट, और इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, यस, और फिर लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज। ठीक है, तो ये देखो अभी आपकी स्ट्रेट आ जाएगी। देन इसको मैं मूव कर दे रहा हूँ यहाँ से समथिंग इसके बराबर पे, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ से अगेन मैं इसको मूव कर दे रहा हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अभी क्या है, एक फ्रंट से आप देख रहे हो कि ये सही है, बट अगेन मैं अगर यहाँ पे लेवल टू पे आता हूँ और यहाँ पे एक और मैं सेक्शन कट करता हूँ। सो अगेन गो टू व्यू सेक्शन, और यहाँ से मैं सेक्शन अगर कट कर रहा हूँ, सो सेक्शन टू पे अगेन आता हूँ। सो यहाँ पे अगेन विजिबिलिटी ग्राफिक्स में हमें आके लाइटिंग फिक्स्चर्स को, लाइट सोर्स को ऑन करना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हो कि वॉल पे नहीं है, ये बाहर की तरफ है। ठीक है, सो यहाँ से मैं इसको वायर फ्रेम लगा लेता हूँ, ये ग्रूव वाला जो पार्ट है इसको मैं यहाँ से समथिंग मूव और कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पे आप शेडेड लगा लो, तो ये देख सकते हो लाइट सोर्स आपको यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, बाकी डाया अगर आप छोटा और करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ग्रूव को और अंदर करना चाहो तो कर सकते हो। सो ग्रूव को थोड़ा सा हम और अंदर कर लेते हैं, 3 inches है ना, तो 3 inches कंप्लीटली कट कर देते हैं जिससे कि ये जो लाइट है ये हम कम्प्लीटली अंदर कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो 3D में अगर आपको ये देखना है, सो अगेन वही सेम विजिबिलिटी ग्राफिक्स में आके लाइटिंग फिक्स्चर्स में लाइट सोर्स को ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कम्प्लीटली अंदर आ गया। बाकी ये जो हमने ग्रूव किया था इसको मैं एडिट इन प्लेस करके अगेन इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और जो एक्सट्रूजन एंड है ये, इसको मैं 3 inches कर दे रहा हूँ तो अंदर तक पूरा चला जाएगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, तो लाइट कम्प्लीटली अंदर आपकी क्रिएट हो जाएगी। अगेन मैं आता हूँ यहाँ पे स्ट्रिप लाइट वाले पार्ट पे, अगेन इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ एरे और यहाँ से लास्ट, तो फर्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे है और सेकेंड पॉइंट मेरा यहाँ पे है, और इन बिटवीन हम लेट्स से 25 नहीं और चाहिए होंगे, लेट्स से 30, थोड़ा सा और लेट्स से 45। ये बेसिक जो स्पेसिंग है ये मुझे बीच के नहीं चाहिए होती है बस, तभी आप 3D को देखोगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कम्प्लीटली स्ट्रिप लाइट यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलर पैटर्न में यहाँ भी हमें करना है फ्रंट में। सो इसको हम डायरेक्टली एडिट इन प्लेस ही कर सकते हैं, सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्रिएट वॉइड फॉर्म, वॉइड एक्सट्रूजन और सेट पिक अ प्लेन, ओके, इस प्लेन को हमने सेट कर लिया। यहाँ से मैं फ्रंट व्यू लगाता हूँ और सिंपली रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सेलेक्ट दिस, इसकी जो डिस्टेंस है ये मैं यहाँ पे 3 inches कर दे रहा हूँ, एंड सेलेक्ट दिस, कॉपी, एंड इसको मैं 1 feet एंड 1 feet, ठीक है, 11 inch हो गया, मूव कर दो 1 inch और, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, क्लिक ऑन फिनिश, मुझे कितना कट करना है, सिर्फ 3 inches अंदर ले जाना है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस एंड क्लिक ऑन फिनिश, तो ये ग्रूव बन गया यहाँ पे। और ग्रूव के बाद लाइट लगाने के लिए कंपोनेंट, और यहाँ पे पहले तो मैं सेक्शन लेवल टू पे आऊँ जरा, और ये जो सेक्शन कट किया था इसको मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ तक। सो सेक्शन टू, और सेक्शन टू में ये पार्ट में एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से आर्किटेक्चर कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, स्ट्रिप लाइट, और स्ट्रिप लाइट को बेसिकली यहाँ पे मैं ऐसे नहीं प्लेस कर पा रहा हूँ, सो नॉट अ इशू। लेवल टू पे आइए, कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, स्ट्रिप लाइट, और मैं इस तरह से प्लेस कर दे रहा हूँ, और यहाँ से फिर मैं सेक्शन पे आके ये लाइट देख सकते हो, सेलेक्ट दिस, मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फिर अगेन मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अभी मैं 3D व्यू लगाता हूँ, सो देखो ये आगे की तरफ है, सो नॉट अ इशू। मैं इसको सिंपली एरो की से
अंदर की तरफ कर देता हूँ, तो ग्रूव के अंदर होनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अगेन इसको आप सेलेक्ट करिए, यहाँ से फ्रंट व्यू लगा लो चाहो तो, या सेक्शन व्यू पे भी जा सकते हो, सब टू यू। यहाँ से एरे, यहाँ से आप यहाँ तक आ जाइए, बिटवीन के आइटम्स हमने 10 कर दिए, ओके इट इज फाइन। फिर आप इसी को सेलेक्ट कर लो कंप्लीटली, समथिंग लाइक दिस, कॉपी, और यहाँ से समथिंग हियर, और कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये लाइट्स यहाँ पे देख लो कम्प्लीटली इस तरह से इंसर्ट हो जाएगी। सो इस तरह से आपने यहाँ पे सारी लाइट्स प्लेस कर ली। बाकी अब आते हैं यहाँ पे लीफ वाले पार्ट पे। सो यहाँ पे हम सेल्फ इल्यूमिनेशन वाला पार्ट क्रिएट करेंगे। सो इसको करने के लिए कैसे करना है चलिए देख। सो गो टू मैनेज, मैनेज पे जाने के बाद मटेरियल्स, मटेरियल्स पे आने के बाद सिंपली यहाँ से हमें क्रिएट न्यू मटेरियल आइडेंटिटी, और यहाँ पे नेम सेट कर देते हैं सिंपली, यहाँ पे हम 1 dot leaf light समथिंग लाइक दिस। ग्राफिक्स में यूज रेंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस में यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे, और यहाँ से अपीयरेंस लाइब्रेरी, अपीयरेंस लाइब्रेरी पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे आना होगा आपको मिसलिनियस वाले पे, नीचे की तरफ ड्रैग करोगे सो आपको यहाँ पे ये एलईडी ब्लू, एलईडी ग्रीन, एलईडी रेड मिल जाएगा। सो आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लो जो भी आपको सेलेक्ट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कैंसिल। ठीक है, सो कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो लेट से मुझे येलोविश कलर चाहिए और थोड़ा सा कलर लाइट में चाहिए, समथिंग लाइक दिस। तो ये कलर आपका चेंज हो जाएगा पहली बार। दूसरी चीज, यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस रफनेस ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे जो फिल्टर कलर है, फिल्टर कलर जो हमने यहाँ पर 255 255 to 30, सो 255 255 and 30, 30 था क्या, था 230 था, सॉरी, एंड 230। ठीक है, तो सेम कलर आ जाएगा। बाकी ल्यूमिनेंस यानी कि कितना एक तरीके से वो लाइट एमिट करेगा, लाइट का जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो इसको अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ जब हम रेंडर करेंगे उसके बेसिस पे हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो सिंपली यहाँ से आप ओके कर दीजिए अभी, और इस पार्ट को सेलेक्ट करके मैं एडिट इन प्लेस, और सिर्फ जो लीफ वाला पार्ट है इसको सेलेक्ट करके मैं आइसोलेट, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली पी टी फॉर पेंट, और यहाँ पे लीफ लाइट पे ये जो फेसेस हैं, इन फेसेस पे अपना ये जो मटेरियल है ये अप्लाई कर रहा हूँ। मेक श्योर डैट जो साइड के फेसेस है बस उसमें ही करिएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो मटेरियल आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा अप्लाई हो रहा है कौन सा नहीं, किधर अप्लाई हो रहा है किधर नहीं, सो इसके लिए आप अगेन मैनेज पे आके मटेरियल्स पे आइए, और यहाँ पर आप यूज रेंडर अपीयरेंस को ऑफ करके यहाँ पे जो कलर है इसका यहाँ पे येलो कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अभी ओके करेंगे तो देख सकते हो जहां जहां आपने वो मटेरियल अप्लाई किया है वो इस तरह से आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन मैं पी टी फॉर पेंट और लीफ और समथिंग, पहले मैं इस कंप्लीट इस वाले पार्ट पे अप्लाई कर देता हूँ। समथिंग लाइक दिस, जल्दी जल्दी से, ओके। सो ये कंप्लीट हो गया, और फिर यहाँ पर इस पार्ट पे और यहाँ पे समथिंग लाइक दिस दिस, और फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पे आप अपने जो लाइट का मटेरियल है कंप्लीट लीफ के, अभी देखो फ्रंट में हो गया, तो अगेन यहाँ से आप सिंपली जो लीफ वाला मटेरियल है फ्रंट पे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सो अगर हो जाता है जल्दी से तो आप अगेन जो पुराना मटेरियल था वही फिर से अप्लाई कर दो, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो सभी तरफ आपका सारा मटेरियल इस तरह से प्रॉपरली अप्लाइड हो गया है। अप्लाई करने के बाद सिंपली यहाँ से आप फिनिश मॉडल, और यहाँ से रीसेट टेम्परेरी एंड हाइड आइसोलेशन, प्रोजेक्ट को मैं सेव कर दे रहा हूँ। ओके, सो इस तरह से कंप्लीट, इस पे भी लाइट्स आपकी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो बस इतना रखते हैं यहाँ पे अभी के लिए, और अगेन जो मैंने यहाँ पे फ्लोर हाइड की थी उसको यहाँ पे मैं रिवील हिडन एलिमेंट्स, अपनी फ्लोर को सेलेक्ट करके अनहाइड एलिमेंट एंड क्लोज। ठीक है, सो ये लाइट्स हमने यहाँ पे प्लेस कर लिए। बाकी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर हम ये देखेंगे कि इसको रेंडर कैसे करना है। सो यहाँ पे जो रेंडरिंग के
इंजन है, जैसे कि आपके नॉर्मल रेबिट है, या फिर अगर मैं बात करूँ जो फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका एंडस्केप है, फिर लीरे है, फिर लूमियन है। सो उसके लिए जो लाइट की इंटेंसिटी वगैरह है उसको हमें कम ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। सो वो कंप्लीट जो आउटपुट आएगा वो फिर इंटेंसिटी को सेट करके कंप्लीट काम आएगा, तो वो चीज़ हम कंप्लीटली फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। सो इस ट्यूटोरियल बस हम इतना ही रखते हैं, और यहाँ पे अपना एक हम 3D व्यू क्रिएट करते हैं, और एक रफ रेंडर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल रेविट, ठीक है। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। सो लाइट्स लग गई हैं रेंडर करने के लिए, सिंपली यहाँ पे रेंडर प्रोडक्शन, सिंपली यहाँ पे शो रेंडर इन डायलॉग बॉक्स। क्वालिटी को मैं यहाँ पे मैं हाई कर देता हूँ, यहाँ से मैं प्रिंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस एरिया को मैं सेलेक्ट करके साइज क्रॉप करके ये साइज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, ओके। देन इसके बाद जितना भी डीपीआई चाहिए आप डीपीआई यहाँ सेट कर सकते हो, बाकी स्कीम में हम यहाँ पे कर देते हैं इंटीरियर आर्टिफिशियल ओनली, और फिर यहाँ पे हम सिंपली रेंडर पर क्लिक कर देते हैं। सो जैसे आप रेंडर पे क्लिक करोगे आपके रेंडरिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। सो जो रेंडरिंग का फाइनल आउटपुट होगा इस वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हो, क्योंकि अभी तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, बाकी फिर जो फाइनल रेंडर्स वगैरह हम क्रिएट करेंगे वो एंडस्केप, लूमियन या फिर वीरे के थ्रू, जो भी मैं देखता हूँ आगे किस पे मैं करता हूँ, सो उसको हम फाइनलाइज करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाकी फिर मिलते हैं अगेन नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में। अगर आपको कंप्लीट ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।